व्यूअर्स, ये है वी ओलम है और आप देख रहे हैं टॉप 5 फ्लॉप टीवी सीरियल्स ऑफ सोनी टीवी। सोनी टीवी पर कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स आ चुके हैं जो काफ़ी पसंद किए गए हैं, पर उनके साथ साथ कई फ्लॉप टीवी सीरियल्स भी आए थे जो दर्शकों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए थे और कम समय में ही उन बंद कर दिए गए थे। आइए इस टॉप 5 की लिस्ट में देखते हैं टॉप 5 फ्लॉप टीवी सीरियल्स ऑफ सोनी टीवी। नंबर 5 पर है मुंह बोली शादी। ये सीरियल सोनी टीवी पर 23 फरवरी 2015 से शुरू हुआ था और इस शो का लास्ट एपिसोड 19 जून 2015 को आया था और ये शो सिर्फ 79 एपिसोड के बाद शो को बंद कर दिया गया था। ये शो सिर्फ 4 महीनों तक ही चल पाया था। नंबर 4 पर है जाट की जुगनी। ये सीरियल सोनी टीवी पर 3 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था जिसका लास्ट एपिसोड 13 जुलाई 2017 को आया था और ये शो सिर्फ 70 एपिसोड के बाद शो को बंद कर दिया गया था। ये शो सिर्फ 3.5 महीनों तक ही चल पाया था। नंबर 3 पर है बड़े भैया की दुल्हनिया। ये सीरियल सोनी टीवी पर 18 जुलाई 2016 से शुरू हुआ था और इस शो का लास्ट एपिसोड 7 अक्टूबर 2016 को आया था और ये शो सिर्फ 57 एपिसोड के बाद शो को बंद कर दिया गया था। ये शो सिर्फ 2.5 महीनों तक ही चल पाया था। नंबर 2 पर है 2025 जाने क्या होगा आगे। ये सीरियल सोनी टीवी पर 31 अगस्त 2015 से शुरू हुआ था और इस शो का लास्ट एपिसोड 29 अक्टूबर 2015 को आया था और ये शो सिर्फ 36 एपिसोड के बाद शो को बंद कर दिया गया था। ये शो सिर्फ 1.5 महीने तक ही चल पाया था। और नंबर 1 पर है पहरेदार पिया की। ये शो सोनी टीवी पर 17 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था जिसका लास्ट एपिसोड 28 अगस्त 2017 को आया था और ये शो सिर्फ 31 एपिसोड के बाद शो को एक कंट्रोवर्सी के चलते बंद कर दिया गया था। ये शो सिर्फ 1 महीने तक ही चल पाया था। तो ये थे टॉप 5 सोनी टीवी के फ्लॉप टीवी सीरियल्स जो कम समय में ही बंद कर दिए गए थे। इन टीवी शोज में से आपको कौन सा शो था सबसे ज़्यादा पसंद कमेंट करके ज़रूर बताना और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही ऐसे नए वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।